तो शाम का समय हो चुका है और जयश्री जी ये है सिड्डू। ओह माय गॉड सिड्डू खा रही हूँ मैं दिल्ली में। सिल्वर दांतों वाला रावण, खतरनाक रावण सिल्वर। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, हेलो एंड गुड आफ्टरनून माय ब्यूटीफुल पीपल। तो फ्रेंड्स आज की व्लॉग की शुरुआत करने का सोच लिया है और आज हम कहीं जा रहे हैं फिर से बाहर। बाहर कहाँ जा रहे हैं जो अभी तक मुझे भी नहीं पता है। अमर डिसाइड करने वाले हैं आज का कि वो हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, या भी कह रही कहीं ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ पर वो भी प्ले कर सके। तो लेट्स सी कहाँ जाते हैं आज। हम लेट भी आ सकते हैं एज कल यावी का हॉलीडे है तो आज हमें घर जल्दी आने की कोई जल्दी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं। आज मैंने ब्रेकफास्ट में घर पे बनाया था साबूदाने की खिचड़ी, मैं आपको दिखाऊं बनाई थी क्योंकि मैंने आज ये रही जो अभी अमित ने खानी है, अमित ने खाई नहीं है क्योंकि आज घर पे श्राद्ध भी था। तो श्राद्ध के चलते ऊपर से बड़े भैया ने श्राद्ध किया था नानू का, वो करते तो वहाँ से चने पूरी और आलू गोभी वगैरह आई थी तो वो खा लिया अमित ने पहले और मेरी साबूदाने की खिचड़ी बच गई। अब ये साबूदाने की खिचड़ी खा के यहाँ से निकलेंगे हम और कहाँ जाते हैं वो आपको अपडेट करते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, डोंट गो एनीवेयर। और ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि बना है साउथ एक्स में, बिल्कुल मेडिकल एम्स के पास ही, बिल्कुल मेडिकल हॉस्पिटल के पास ही बना ही है। तो ये है नोएडा की फिल्म सिटी। यहाँ पर सारे ऑफिसेज हैं, लाइक आपका टीसरीज और भी बड़े बड़े ऑफिसेज जितने भी हैं वो सारे यहीं पर बने हैं। तो अमित को यहाँ पर ना थोड़ा सा काम था फिल्म सिटी में तो बस वो काम कर कर फिर हम आगे निकलेंगे। गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, क्या सिखाते हैं ये? एक्टिंग, गाना गाना, और एक ये गुरुद्वारा हमने देखा रास्ते में जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलग से स्टाइल का बना था। इस तरह के गुरुद्वारे मैंने दिल्ली में नहीं देखे हैं। ये है सेक्टर 18 नोएडा में और ये बहुत ही अच्छा बना था, जैसे बाहर बने होते हैं उस स्टाइल में ये बना हुआ था। तो आज हम आए हैं सेक्टर 18 की मार्केट, इसका नाम है अट्टा और यहाँ पर वेव वन कोर्टयार्ड और ओरा का शोरूम ओपन है, बाकी सब कुछ मॉल में बंद हो चुका है। तो इसलिए हमारा प्लान कुछ चेंज हो गया है और अब हम शायद जा रहे हैं ग्रेट इंडिया पैलेस। आज हमारा प्लान था थोड़ा सा नोएडा एक्सप्लोर करने का, तो यहाँ तो कुछ खास हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया नहीं, अब जा रहे हैं हम किसी और मॉल में। तो अब अमित मुझे लेकर आए हैं गार्डन गैलेरिया जहाँ पे सारे के सारे रेस्टोरेंट क्लब्स लाउंजेस सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है अंडर वन रूफ। तो चलिए देखते हैं ये कैसा है और ये मुझे कैसा लगेगा। तो आज जयश्री को मैं लेके आ गया हूँ ऐसी जगह पे जहाँ जयश्री को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा।
अभी को बटरफ्लाई पसंद आया था, वहाँ पर प्राइवेट पार्टी बाय दिल्ली वापस ये चलाने आए हम यहाँ पे। मुझे नहीं आती चलाने, मुझे आती है। मैं ब्रेक आप करना, मैं ये अच्छा हूँ ठीक है। मैं पापा के साथ बैठ गई क्या भाई, बैठा था मैं ठीक है। ओके वहाँ ही आएंगे हम तो, वहाँ बैठना। कॉफी डेट अभी का स्टाइल कॉफी मिस कर लेगा। और डिप करो अंदर इसको, और डिप करो बिल्कुल नीचे। ये रही मेरी दो प्रिंसेस और एक ये रही प्रिंसेस, देखो चल लेकर आओ टॉय। Shopping from Starbucks. Show me, Avi. Show me. I haven't seen yet. Okay. This is what you got. इसको कपड़े चेंज हो गए इसके, पहले तो कोई और नहीं थे, मुझे तो कुछ और दिखे थे। क्यूट टेडी फ्रॉम Starbucks India. या अभी पापा को चीयर करती हुई चलो चलो
सारे नीचे गिराने हैं। भैया सारे गिर तो गए। नहीं भैया सारे गिर तो गए, दे दो आप हमें। नहीं भैया ने बोला टेबल से नीचे गिरने चाहिए, झूठ नहीं बोलना। तो यहाँ पे कार्निवल गेम्स में खेली इन्होंने गेम जिसमें हम जीते नहीं। तो शाम का समय हो चुका है और जय श्री जी। क्या अभी तो चलाया था आपने? ये स्टारबक्स के बाद अभी आमी ने लिया अपने लिए स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, और हम ट्राई करने जा रहे भैया की भेलपूरी। ले लो कितनी पाव आ गई ये भेलपूरी। पाव टेस्ट करो, पाव पाव आ करो, कितनी पाव आ करो, पहले आप टेस्ट करो। गुड, लेमन ठीक है? मैं लेमन और डाल दे रहा हूं। तो ये भाई साहब हमारी फैमिली में ऐड हुए हैं आज, जो यावी ने लिए स्टारबक्स इंडिया से। बहुत ही क्यूट टेडी है और स्पेशली दिवाली के लिए वहाँ पे, मतलब दिवाली के लिए टॉयज बने हैं, तो उनमें से टेडी कीचेन वगैरह थे, तो यावी ने टेडी लिया है। बहुत ही अच्छा है, इसे पजामा भी पहना है अलग से, कुर्ता और फिर ये ऊपर से जैकेट। तो जी आप आज घर जा रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? टेडू का नाम क्या है? टेडू का नाम का नाम है यूनिकॉर्न। सारे यूनिकॉर्न नहीं होते यावी, अभी नामकरण होना है। अभी इसका नामकरण हम करेंगे जब 13 दिन का हो जाएगा। अभी आज ही आया है, तो चलिए आज आपको हम घर लेके जाते हैं। टेडू डू डू डू, हाय से हाय, हेलो। इसका नाम है बल्लू पहलवान। बल्लू पहलवान, ओके। बल्लू आप भी कोई नाम सजेस्ट करें हमारे टेडी के लिए, अभी 13 दिन में हम इसका नामकरण करने वाले हैं। नहीं नहीं, टेडी बेयर वाले नाम चाहिए हमें, सजेस्ट करिए कमेंट कमेंट सेक्शन में, बताइए हमें इसके लिए कोई अच्छे नाम। माशा, माशा एंड द बेयर, माशा तो लड़की है, बेयर है, फिर बेयर तो ये ऑलरेडी है। इसका नाम रखो इंडिया। नहीं अभी क्योंकि इंडिया इसने इंडिया की जैकेट पहनी है इसीलिए इसका नाम इंडिया। नहीं इसके लिए नाम सजेस्ट करिए। और तो ये हम नोएडा से एग्जिट करते हुए, थैंक्स फॉर योर विजिट, धन्यवाद पुनः पधारे, ठीक है फिर से कभी आएंगे। बहुत टाइम बाद हम नोएडा आए थे, तो नोएडा के अच्छा लगा, फिर देखते हैं कब आते हैं। तो आज मैंने पर्पल कलर का ऑटो भी देखा, ये पहली बार। पर्पल कलर के ऑटो होते हैं क्या? ये कौन से होते हैं? कैसे इलेक्ट्रिक तो नहीं निकले हैं? सीएनजी तो येलो एंड ग्रीन है, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक कहीं पर्पल निकले हैं दिल्ली में। और ये है अक्षरधाम मंदिर जो काफ़ी फेमस है दिल्ली में। देखिए ये है अक्षरधाम, यहाँ पर मैं आज तक कभी गई नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पे बहुत रश रहता है, इतना पता है, काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, क्राउडेड रहता है हमेशा ही, काफ़ी फेमस है। पेट्रोल कैसे डलता है ऊपर है इसकी टैंकी।
हम तो पंच भाई खेल रहे हैं टेडी बेयर और मैं, है ना? मैंने पहली बार देखा है ऐसा। जेसी और मैं ना ऐसा ऐसा पेट्रोल पंप किसने देखा है पहले, जिसमें पाइप ऐसे ऊपर से आती है? बताओ मुझे, थोड़ा जूम कम करो। ऐसा किसने देखा? So, हम पहुंच चुके हैं बंगला साहब गुरुद्वारा। ये दिल्ली के सेंटर में है, सीपी के अंदर स्थित, पर सबसे सुंदर है ये। और पीछे है मेरे नानू का ऑफिस, पीछे यावी के नानू का ऑफिस, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स, और ये बंगला साहब। ये बंगला साहब है बिल्कुल अच्छा सा, सुंदर सा, ये चलता जा रहा है। दिखाओ, लिखा हुआ है बंगला साहब के यहाँ से, यहाँ पूरी लिखी हुई है। देखो गुरुद्वारा बंगला साहब में आपका स्वागत है। हाँ हाँ, तो फ्रेंड्स मुझे पता चला था कि दिल्ली में भी सिद्धू मिलते हैं। ये बैरागी करके एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो मोमो, सिद्धू और काफ़ी सारी चीज़ें बेचते हैं। ये तिलक नगर के पास है, अशोक नगर, यहाँ पर ये मिल रहा है, इसकी लोकेशन है। तो फ्रेंड्स आई एम सो एक्साइटेड, हम एक जगह आए हैं जहाँ पर सिड्डू मिलते हैं, जहाँ पर आई होप सिड्डू मिल जाए, बस हो खत्म ना हुए। इट्स बैरागी तिलक नगर में, और जस्ट फिंगर्स क्रॉस मुझे सिड्डू मिलता है खाने को। दिल्ली में सिड्डू मिल गए ना और अच्छे लग गए, आई हाय मजा ही आ जाएगा। एक्साइटेड मेरे फेस पे दिख रही होगी, मेरी एक्साइटमेंट भी एक्साइटेड है, पर मम्मा देखो एक इश्यूज है ना। ये है सिड्डू, ओह माय गॉड, सिड्डू खा रही हूँ मैं दिल्ली में। आई होप ये अच्छा हो, यम्मी हो। ये दो चटनियाँ और ये सिड्डू। देखो है सिड्डू ऐसे जैसे हमने मंडी में खाया था, बट मंडी जैसा टेस्ट नहीं है, बट ठीक है। देखो ये है, सिड्डू है उतना सॉफ्ट नहीं जितना मंडी में था, मंडी के सिड्डू बहुत ही अच्छे थे। ये ठीक है, सो सो है, जितनी मैं एक्साइटेड थी उस हिसाब से ओके ओके। मैं सिड्डू नहीं, कुछ और चीज का फ्लेवर ज्यादा दे रहे हैं। सो आ चुके हैं जय श्री के मोमोस, और ये है कोई कोदरा आटा सब कुछ मिक्स मोमो, इसका बताते हैं कैसे आई है। तो बहुत गर्म है, सिड्डू से बेटर है मोमोस, सिड्डू अच्छा नहीं है इनका। लो जी, सिड्डू को फेल कर दिया लड़की ने और मोमोस को पास कर दिया। मैं एक्साइटेड थी ना, इन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया सिड्डू को। या अभी आपके मोमोस आ चुके हैं, सो कम या जावी कैसे है मोमोज? हेल्दी मोमोज खा रही हो आप? मिर्ची है इससे, अभी को मिर्ची लग रही है कोल्ड की वजह से, अदरवाइज मिर्ची नहीं थी, दवाई थी। ये है रावण, रावण की मुंडी, दिल्ली की बिगेस्ट मार्केट जो रावण के नाम से जानी जाती है। ये चार टू के पास बाहर की तरफ देखते हैं, इसको रावण मंडी बोला जाता है। देखिए सिल्वर दांतों वाला रावण, खतरनाक रावण, सिल्वर दांतों वाला, और इसकी मूछें और दाढ़ी देखती है। लड़की है अभी के हिसाब से वो, ये हमारा रावण आफ्टर नारे भैया। टीथ दिखाओ रावण के, देखो टीथ सारे ब्लैक एंड व्हाइट रावण है, अभी इनको कलर होना है। अब कुछ दिनों बाद दिखाएंगे आपको कलरफुल रावण भी, जब इनको कलर हो जाएगा, ठीक है, स्टेप वाइज पूरी तरह तैयार हो जाएगा। पुराने व्लॉग्स में इनके अंदर के ढांचे भी दिखाए थे, अब आपको दिखाएंगे कलरफुल रावण कुछ
दिनों में, जब थोड़ा और ही अच्छे से इनकी मेकअप शेकअप हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे येलो वाला है, अभी ये इनका डेकोरेशन होगा, इनका मेकअप होगा, फिर और सुंदर लगेंगे। पूछ लो तुम, इन अंकल ने फिल्मों में भी रावण बनाया हुआ है इनके साथ, या अनिल कपूर जी के, हाँ अनिल कपूर जी के साथ बनाया है, जूही चावला जी के अंकल। थैंक यू अंकल। तो फ्रेंड्स हमने खा लिया सिड्डू भी तो मोमोज भी, और सिड्डू वॉज नॉट अप टू द मार्क, मतलब सिड्डू में सिड्डू वाली फील मुझे आई ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई, वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट यस मोमोज इनके बहुत अच्छे थे, मतलब अल्ट्रा सॉफ्ट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे मोमोज, सॉफ्ट थे और टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे इनके। पनीर हमने लिए थे पनीर आटा मोमोज, आई गेस वो कोदरा भी उसमें मिक्स था, कोदरा आटा, तभी वो थोड़े डार्क थे। अगर सिड्डू गर्म होते तो शायद बहुत अच्छे नहीं, उनकी स्टफिंग वो मजा ही, उनका आटा ही नहीं सीजा हुआ, इसीलिए तो आटा भी सीजा नहीं था और गर्म नहीं था प्रॉपर, मजा नहीं आया सिड्डू में, मजा नहीं आया। आई मिस सिड्डू वाली आंटी के, नो सिड्डू वाली दीदी के, क्या मत सिड्डू। हाँ तो आज का दिन यही खत्म होता है और हम घर की तरफ जा रहे हैं, रात हो गई है, टाइम हो रहा है हमारा 9:30। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थोड़ा सा जी लो, थोड़ा सा मान लो।